तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बिना गैस जलाए 5 मिनट में बेहतरीन सी मिठाई, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये झटपट से बन जाती है और आपको खाकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मिठाई देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ में खाने में भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी बिस्किट्स के पैकेट की। तो आपके घर पर जो भी पैकेट अवेलेबल हो, आप उसी से ये मिठाई बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर एक ओरियो का पैकेट है और एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है। तो मैं इन्हीं दोनों बिस्किट से ये मिठाई बनाने वाली हूँ। तो थोड़ा मैंने डार्क कलर की बिस्किट इसलिए ली है ताकि जो मिठाई का कलर है वो डार्क चॉकलेटी रंग का आए। अगर आप नहीं चाहते कि डार्क कलर आए तो आप नॉर्मल ये वाली दूसरे कलर की बिस्किट भी ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो बिस्किट के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। ये देखिए क्रीम है, आपको क्रीम सहित ही करना है क्योंकि क्रीम से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिठाई में। तो इसलिए आप इसकी क्रीम अलग मत कीजिए और एक पैकेट कोशिश करिए कि क्रीम वाली बिस्किट ज़रूर ले लें। अगर नहीं है तो आप सादा बिस्किट भी ले सकते हैं। तो सभी बिस्किट्स को आपको तोड़ लेना है, फिर आपको मिक्सी के जार लेना है और उसमें इस बिस्किट को डाल करके 2 मिनट मिक्सी में आपको चला लेना है। इससे जो बिस्किट है उसका एक पाउडर बन जाएगा। तो इसी तरह से हमको इसका एक पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए एकदम महीन पाउडर इसका बन गया है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पर लेना है थोड़ा सा दूध। अगर दूध में मलाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करते हुए गूंथ लेना है, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं तो इस तरह से आपको इसको गूंथ लेना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आप दूध डाल करके, खट्टे ना डालें वरना ये गीला भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आटा की तरह हो जाना चाहिए। तो फिर आप इसको अच्छे से मसलते हुए आखिरी में खूब मसल लें ताकि एकदम चिकना हो जाए। इस तरह से आप इसको करीब 1 मिनट तक मसल लें। अगर आप मसलेंगे नहीं तो ये जो मिठाई है ये किनारे से फटेगी। तो आपको 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मसल लेना है। तो ये देखिए बिस्किट का डो बनकर के तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पर लेना है नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा बनाने के लिए आप उसका छिलका उतार करके मिक्सी में क्रश कर लीजिए तो नारियल का बुरादा बन जाएगा, या मार्केट में भी ये इजीली मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर कोई सा भी फूड कलर लेना है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले रही हूँ। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते, इसको वाइट ही रहने दें बुरादे को, तो मैं थोड़े से दूध में इस कलर को मिक्स कर रही हूँ ताकि कलर अच्छे से आ जाए। और अब मैं इस कलर को डाल दूँगी नारियल के बुरादे में। तो आप कोई सा भी मन मुताबिक कलर कर सकते हैं, येलो, रेड, जो भी आपको पसंद है। तो आप फूड कलर डाल करके इसको कलर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको वाइट ही रहने दें। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा कलरफुल जो है नारियल का बुरादा बन चुका है। अब आपको लेना है एक फॉइल पेपर, जो होता है ना हम लोग घर पर बच्चों के खाना लंच बॉक्स में यूज़ करते हैं, ऑफिस के लंच के लिए। एक थाली लेनी है आपको, उसमें फॉइल पेपर अच्छे से लगा देना है। अगर आपके यहाँ फॉइल पेपर नहीं है तो आप एक पॉलीथीन भी ले सकते हैं, जो बच्चों के रैप करने के लिए पॉलीथीन आती है ट्रांसपेरेंट, आप वो भी ले सकते हैं। तो अब आपको इस डो को अच्छे से गोल शेप में लोई जैसे बना लेना है। तो इसको आप हाथों की मदद से गोल शेप दे करके इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब आपको बेलन लेना है और बेलन की मदद से जिस तरह आप पूड़ी या रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरह आपको इसको बेल लेना है। तो ये किनारी पर हल्का सा फट रहा है, तो आपको इसको हाथों की मदद से एक सा कर देना है। और इसका दूसरी चीज़, आपको इसको चौकोर शेप में लाना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, आसानी से शेप चेंज हो जाता है इसका। तो आप हाथों की मदद से इसको चौकोर शेप में लाएँ। ये देखिए मैंने इसको चौकोर शेप में ला दिया है। तो आप बेलन की मदद भी ले सकते हैं और हाथों की मदद भी ले सकते हैं। तो इसको आपको बहुत पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो आप ये देखिए मैंने इसको एकदम चौकोर शेप में ला दिया है। अब हमने जो नारियल का बुरादा कलरफुल बना करके रखा था, तो उस बुरादे को आपको पूरे इसमें जो हमने बेल करके रखा है चौकोर शेप में बिस्किट का डो, तो उसमें आपको नारियल के बुरादे को अच्छे से बिछा देना है। चारों तरफ आप बिछा दीजिए और हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस कर दीजिए ताकि ये जो बुरादा है ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए आपको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि ये जो फॉइल पेपर है इसको आपको किनारे से पकड़ना है और इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा राउंड करना है। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा राउंड करना है, फिर फॉइल पेपर को निकाल देना है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना है राउंड करते हुए इसको, और फिर इस तरह से निकालते जाना है और राउंड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको राउंड किया और इस फॉइल पेपर को निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से आपको, और आखिरी में आप ये इसको ये देखिए
आप ध्यान से देखिएगा इसको, ऊपर से उठाते जाना है फॉइल पेपर को, नीचे से लपेटते जाना है, तो इससे दबेगा भी नहीं फॉइल पेपर और आपका जो बिस्किट रोल बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैं खींचती जा रही हूँ ऊपर से और नीचे से लपेटती जा रही हूँ, उस प्रोसीजर को आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए ये अच्छे से राउंड हो चुका है, अब आपको पूरे फॉइल पेपर को अच्छे से लपेट देना है, इस तरह से आप इसको लपेट दें और जो किनारी है इसको भी आप मोड़ करके बंद कर दें। अब जो ये रोल बना है इसको आपको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, आप चाहे तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो 5 मिनट ही रखना पड़ेगा। तो मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, तो कम ज़्यादा भी लग सकता है, आप छूकर देख लें, थोड़ा टाइट होना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, तो 15 मिनट लगभग मुझे लगे हैं। तो ये देखिए हमारी रोल बन करके तैयार हो गया है, अब हम इसको चाकू की मदद से काट लेंगे। इसकी हम किनारी जो है थोड़ा अलग कर लेते हैं, अब हम इसको काट लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से कट जाती है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ पास से, ये बहुत ही आसानी से एकदम स्मूथ ही होती है, ये मिठाई देखने में बहुत ही सुंदर होती है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रही है देखने में। जो कोई देखेगा आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि आपने ये मिठाई कैसे बनाई है, खाने में तो यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसको मन मुताबिक फ्लेवर में बना सकते हैं, जो भी बिस्किट आपको पसंद हो, अगर आपको बेकरी वाली बिस्किट पसंद है तो आप उससे भी बना सकते हैं, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया मिठाई बन करके तैयार हो गई है, बिल्कुल बिना झंझट के, घर पर गेस्ट आ जाएँ तो आप ये अनोखी मिठाई बना करके उनको सर्व करिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उनको कितनी अच्छी मिठाई सर्व की है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।